no, 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 no. तो यार इस टाइप के फनी वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस तरह का डुएट वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करके यहाँ पर आपको वीडियो बना लेना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो को बनाएंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे किसी दूसरे स्मार्टफोन में उस साउंड को प्ले कर देना है, तब आपको यहाँ पे वीडियो को बनाना है, जिससे आपका एक्टिंग थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसके लिए यार सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काइनेमिस्ट ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे टाइप करना है और आपको यहाँ पर ये वाला रेशो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर यार सबसे पहले हमें इस वाला वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक वीडियो को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, जो कि अपनी खुद की है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि वीडियो बनाना किस तरीके से, आप उसी तरीके से यहाँ पर वीडियो को शूट करिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेयर पे जाएंगे, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वीडियो का साउंड सबसे पहले आपको यहाँ पे बंद कर देना है, क्योंकि यार होता क्या है कि जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा साउंड भी अपनी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपसे रिकॉर्ड हो चुका है, उसको आपको यहाँ पर सबसे पहले वीडियो में से हटा लेना है। यानी इस तरीके से लेफ्ट से आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कट कर लेना है। इसी तरीके से राइट में भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी आपको यहाँ पर हटा लेना है। अब यहाँ पर आपको इस लेयर को यहाँ पर छोटा करना है इस तरीके से, और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो वीडियो है लेफ्ट साइड में, आपको इसी के बराबर यहाँ पर आपको अपने वीडियो को लगा देना है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसी के बराबर यहाँ पर आपकी वीडियो होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। और ये वीडियो अगर बराबर नहीं होता है तो इसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्रॉपिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं अपने वीडियो को, ताकि ये वाला वीडियो उसके बराबर यहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो में। यहाँ पर इस तरह से करने के बाद आप इसे थोड़ा यहाँ पर बड़ा छोटा करके आपको बिल्कुल उसी के बराबर यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो जब आप यहाँ तक कर लेंगे उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो जब यहाँ तक आपका हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो में आगे आना है। आगे आने के बाद जैसे यहाँ पे गन शॉट होता है इस तरीके से, यानी यहाँ पर 3.5 सेकंड तक यहाँ पर आपको आना होगा। तो यहाँ पर जैसे गन शॉट हो रहा है तो यहाँ पर मुझे एक गन शॉट का यहाँ पर मुझे ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेकर आना होगा। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लेयर पर जाएंगे और यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नीचे आपको की कलर है इसमें आपको ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ये जो गन शॉट है इस तरीके से, यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर लगा देना है अपने, तो ये आपको सीने के ऊपर यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर लग जाए वीडियो में। तो जब आप इसे इस तरीके से लगाएंगे तो आपका वीडियो बिल्कुल रियल दिखेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो में आगे आना है। आगे आने के बाद जब आप यहाँ पर हाथ नीचे करके इस तरह से बॉम्ब निकालने की एक्टिंग करते हैं, और बॉम्ब जैसे आप यहाँ पर फेंकेंगे इस तरीके से, तो यहीं पर आपको एक इमेज को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यार जैसे आप यहाँ पर नीचे हाथ करके इस तरह से आप बॉम्ब को निकालेंगे इस तरीके से, तो जैसे मैं यहाँ पर 13 सेकंड पे इस तरह से मैं यहाँ पर हाथ को बंद कर रखा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर हाथ खोलने वाला होता हूँ इस तरीके से, तो आपको इसी पॉइंट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको उस वाले इमेज को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं मीडिया पर क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस वाले इमेज को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पर इसे रोटेट कर देना है इस तरीके से, और आपको इसे छोटा कर देना है इस तरीके से। छोटा करने के बाद आपको इसे अपने हाथ के ऊपर लेकर आना है, तो आपको इसे हाथ के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पर लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पर आपको छोटा कर देना है। ये जो लेयर थोड़ा बड़ा है इसको आपको छोटा कर देना है इस तरीके से, और इसको आपको यहाँ पे 13.5 सेकंड तक रख देना है यहाँ पर। यहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये बॉम्ब उस साइड जाएगा वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है। अब आपको इस लेयर के बिल्कुल लास्ट में आ जाना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको की एनिमेशन देना होगा वीडियो में, तो आपको यहाँ पे की वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको प्लस आइकन पर टाइप करना है, और आपको ये जो इमेज है इसको आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है। यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ पर इसे छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपको भी इस लेयर में यहाँ पर आउट एनिमेशन में जाकर यहाँ पर आपको फेड वाला आपको सिलेक्ट करना है।
इस तरीके से देने के बाद अब आपको वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो ये वाला जो इमेज है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जा रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा और भी छोटा कर देता हूँ तो ये फास्ट जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो जब आप इसे यहाँ पर लगा लेंगे उसके बाद आपका वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही कमाल की वीडियो आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके जाकर इसे अपलोड कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।